कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है। और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं, जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। आज के समय में अहिंसा को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उनका ये भी मानना था कि ऐसी पढ़ाई जो आपके हुनर को बढ़ावा न दे वो बदतमीजी की पढ़ाई है। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष उन्हें 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, और विचार सदैव जीवित रहता है।